असलम एवरी वन आई होप यू ऑल आज की वीडियो के अंदर तो खैर नहीं लेकिन ईद आ रही है और बहुत सारे लोग नेचुरल इंग्रीडियंट्स को प्रेफर करते हैं ये वो वाली रूटीन है तो आप आराम से किचन में जाए सारी चीजें आपको किचन से मिल जाएंगी और ये टीन एजर्स के लिए हाउस वाइफ के लिए इवन मेन के लिए भी जो है वो बहुत जबरदस्त सबसे है। पहले हम बात करते हैं फीड केयर के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग आ, अपने पाओं को अपने हाथों को इतना निगलेक्ट कर देते हैं तो अब बेचारे ना इतने ड्राई ग्रास्टेज से हो गए हैं तो सबसे पहले अब मैं क्या करूंगी कि मैंने एक टप लिया उसके अंदर मैंने नीम गर्म पानी लिया उसके अंदर नमक और देर पाँव को भी और उसके बाद मैं मैंने ऑलिव ऑयल ले लिया और उसके अंदर नमक डाल के पाओं को स्क्रब कर लूंगी ये काम अपने क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी इस वजह से मैं बाथरूम के अंदर शूट नहीं कर पाई सो आई एम शूटिंग हेयर इसको मसाज कर लेना है ऑलिप के अंदर स्किन बिल्कुल नमक होता है ना उससे आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो सारे उतर जाते हैं और आपकी स्किन बहुत अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट हो जाती है प्लीज़ इग्नोर कि मैं सोफे के ऊपर बैठ के एक काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे और को, को, कोई जगह समझ नहीं आ रही थी इस वजह से मैंने यहाँ पर ही शुरू हो गई थी खैर उसके बाद फिर अपने अपने पाओ को वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से और उसके बाद फिर दोबारा तो पाओं को ड्राई करके और ऑलिव ऑयल से जो भी आप ऑयल यूज़ करें आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं उससे जो है वो पाँव को दोबारा मैं मॉइस्चराइज मैंने कर लिया ये प्रोसेस आप हफ्ते में एक बार तो पर रिपीट कर लें तो बेहतर है अब हम बात कर लेते हैं स्किन केयर के बारे में स्किन केयर जो है ना उसका अपना अपना सबका होता है मतलब कुछ चीज़ें इंसान को सूट कर रही होती हैं इंसान की स्किन को अच्छी लगती हैं कुछ चीज़ें नहीं अच्छी चीज़े लगती मुझे लगता है पर्सनली कि मेरी स्किन के ऊपर जो राइस फ्लावर है ना वो बहुत सूट करता है मतलब जैसे मेरी ये देखें पिम्पल्स निकले हुए हैं या फिर अगर बहुत ज़्यादा टेक्स्चर खराब हो रहा है स्किन का वाइट हेड्स हो रहे हैं ब्लैक हेड्स हो रहे हैं अन स्किन टेक्स्चर हो रहा है या स्किन थोड़ी डल

हैं। तो बहुत ज्यादा वाइट हेड्स है यहाँ पर बहुत ज्यादा बम्पी सी स्किन फील होती है ना वो आपकी स्किन बिल्कुल ईवन हो जाएगी आपका जो कंप्लेक्शन है वो इवन आउट होगा इसके अलावा जो राइस फ्लावर है ना उसकी वैसे बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं आपकी स्किन बैरियर को जो है वो रिपेयर करता है आपकी स्किन का जो कंप्लेक्शन है उसको ब्राइटन अप करता है टैन को रिमूव करता है ये पैक इसके अलावा आप इसको हफ़्ते में दो से तीन मरतबा रिपीट भी कर सकते हैं और ये सेफ़ टू यूज़ है फॉर एवरीबडी मतलब कोई भी इसको यूज़ कर सकते हैं और आप इसको अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट पे यूज़ कर सकते हैं आप इसको आराम से अपने हाथों पे भी यूज़ कर सकते हैं पाँव पर भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको शावर जब मतलब आप नहाने जा रहे हैं तो आप इसको बना के वॉशरूम ले जाएँ साथ और आराम से अपने हाथों पर अपनी गर्दन पे चेस्ट पे अपनी बेली पे मतलब जैसे उपटन का काम होता है ना बिल्कुल सीमा सीमाप ही समझ सकते हैं कि ये उपटन की थोड़ा से है और जेंटल होता है आप स्किन, आपकी स्किन के ऊपर आप जो फेस की स्किन है ना उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा एक्सपोलियर इसको नहीं करना दो से मैक्सिमम तीन मिनट्स इज़ मोर देन एन हफ़ अपने तीन मिनट से ज़्यादा मत करें और उसके बाद फिर आप इसको वॉश ऑफ़ कर देंगे अच्छे तरीके से उसको ड्राई करके और उसके ऊपर आप जो है वो रोज़ वाटर जैसे टोनर आप इसके बाद यूज़ करते हैं ना तो टोनर की जगह पे आप इसको आप इस पर रोज़ वाटर यूज़ करेंगे रोज़ वाटर यूज़ करने के बाद फ़ौरन आप जो है मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेंगे ये आप हफ्ते में दो मरतबा कर लें पीर वाले दिन कर लें और जुमे वाले दिन कर लें दो दिन करेंगे टैन भी चेक में रहेगा टैन आपको रिमूव होगा इसके अलावा आपका स्किन का टेक्सचर वाइट हेड्स वाइट हेड्स आपको पता है एक दिन आप निकाल लें अगले से अगले दिन दोबारा निकल आते हैं मतलब वाइट हेड्स का तो कोई इलाज है ही नहीं कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बार बार आपको निकालने पड़ते हैं और ब्लैक हेड्स तो वैसे ही जान नहीं छोड़ते तो आप अपनी स्किन जो है वो मतलब कुछ चीज़ जैसे स्किन के प्रोडक्ट्स होते हैं ना तो वो अक्सर इस तरह होता है कि स्किन ज़्यादा ख़राब हुई हो तो स्किन के प्रोडक्ट्स भी स्किन के ऊपर काम नहीं कर रहे होते लेकिन ये वाली चीज़ें हमेशा स्किन के ऊपर काम करती हैं अच्छा अब हम बात कर लेते हैं हैंड केयर के बारे में हाथ भी बेचारे हमारे बहुत ज़्यादा निगलैक्टेड होते हैं और रोज़े रख रख के हमारी बॉडी में इतनी डिहाइड्रेशन हुई हुई है कि हमारे हाथ मॉबल बल्कि जो जिसम है उसकी जल्द जो है वो डीप सी हुई हुई है तो यहाँ पर जो है वो मैंने ऑलिव ऑयल ले लिया है और ऑलिव ऑयल के अंदर जो है वो मैं अगेन सॉल्ट ऐड करूँगी कुछ लोग चीनी वाला स्क्रब भी यूज़ करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि चीनी जो है ना उससे ज्यादा जो सॉल्ट है ना वो ज्यादा सही रहता है तो यहाँ पर ऑयल ले लिया उसमें डाला है सॉल्ट और इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला और अच्छे तरीके से अब हाथों को कर लूंगी स्क्रब इसी इसी जो ये आ, एरिया है ना यहाँ पर मैंने खड़े होकर स्क्रब कर लिया था और हार्डली एक मिनट लगा था एक मिनट के अंदर जितनी भी आपकी जो बहुत सख्त हुई होती है ना स्किन जैसे कुछ लोग जो बर्तन वगैरह धोते हैं या फिर कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो आपके हाथ जो है वो सख्त होना शुरू हो जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है इससे हाथों का कंप्लेक्शन बेहतर नहीं होगा इवन आउट हो सक हो सकता है लेकिन जैसे अगर आप गोरे करना चाह रहे हैं तो गोरा नहीं होगा इससे लेकिन आपकी स्किन जो है वो सॉफ़्ट हो जाएगी और इवन हो जाएगी डेड स्किन आपकी सारी उतर जाएगी तो अच्छे तरीके से आपने इसको जो है वो मसाज करना है अपनी स्किन के ऊपर और फिर इसको आपने वॉश ऑफ कर देना है साबुन नहीं यूज़ करना वॉश करने के बाद आपकी स्किन इतनी कोई मुलायम हो जाएगी ना ये फोटेज मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था लेकिन इसको दोबारा शेयर करने का मकसद ये है कि हेमरिंग हो आपको पता हो कि अगर आपने पिछली वीडियो में ये ट्राई नहीं किया तो इस वीडियो में आपने लाजमी इसको ट्राई करना है और आप एक दफ़ा करके तो, तो देखिए मतलब पांच मिनट भी नहीं लगते और बहुत ही मज़ेदार स्क्रब है मतलब लिटरली मज़ा आ जाता है करके ऐसे लगते हैं जैसे मलाई हो जाती है ना स्किन वैसी हो जाती है आपकी अच्छा हार्ड ड्राई करने के बाद दोबारा जो है उसके ऊपर मैं हाथों के ऊपर मॉइस्चराइज़र मैंने नहीं लगाना मॉइस्चराइजर की जगह पर मैं ऑलिव ऑयल दोबारा तो यूज़ करूंगी क्योंकि जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हुई होती है ना तो फिर कोई मॉइस्चराइजर भी काम नहीं कर रहा होता फिर ऑयल इज़ ऑलवेज देयर फॉर द रेस्क्यू सो ऑयल जो है उसको मैं कर लूँगी अच्छे तरीके से यूज़ आप कोई अपना ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन फेस के ऊपर आपने नहीं यूज़ करना है इसको आप इसको हैंड्स के ऊपर या बॉडी के ऊपर जो है वो आराम से यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छा रहता है ये अच्छा जी वी टुक केयर ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट और उसके बाद स्किन का भी हो गया सारा अब आती है बालों की मैं आप लोगों के साथ एक प्रोटीन मास्क शेयर करी हूँ जिसने लिटरली मेरे बालों को सेव किया था मेरे बाल इतने कोई ख़राब हो गए थे इतने कोई बहुत गंदे वाले ख़राब हो गए थे इतना उतरना शुरू हो गए थे और बहुत ज़्यादा ड्राई और क्रस्टी और मैं ब्रश करती थी, थी और ब्रश बालों से भर जाता था मेरा इसके अलावा जब भी मैं बालों में हाथ फेरती थी तो पता नहीं कितने ज़्यादा बाल उतर जाते थे मेरी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है और मेरे बालों का टेक्स्चर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था तो ये जो मैं पैक आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ना इसने मेरे बालों को सेव किया है लिटरली स्पीकिंग मेरे बालों पर कोई ऑयल भी काम नहीं करता था क्योंकि ऑयल पेनीट्रेट ही नहीं होता था बालों के अंदर सो ऑयल भी कभी कोई काम नहीं किया लेकिन ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना ये मुझे पर्सनली मेरे बालों के ऊपर बहुत सूट किया है और इससे मेरे बाल बाल जो है ना वो रिपेयर भी हुए हैं बहुत हद तक तो मैं आप लोगों के साथ इंग्रेडिएंट्स शेयर कर देती हूँ प्रोटीन रिच है ये क्योंकि इसके अंदर हम ले रहे हैं योगर्ट योगर्ट आपने लेना है अपनी बालों के लेंथ के हिसाब से चार से पाँच चम्मच मेरे बालों के लिए इनफ होते हैं तो योगर्ट ले लूँगी मैं इसके अलावा इसके अंदर मैं डालूँगी एक अंडे की जर्दी मैं अंडा पूरा नहीं डालती मुझे अंडे की सफ़ेदी जो है वो सूट नहीं करती बालों के ऊपर इस वजह से मैं खाली जर्दी ऐड करूँगी क्योंकि जो जर्दी होती है ना वो वो होती है इसमें ऑयल बहुत ऑयली होती है ये अच्छा अगर ये फ्रिज में रखा हुआ था मैंने रोकने नारियल टाइप मतलब कोकोनट ऑयल मैंने जो है वो फ्रिज में रखा हुआ था तो अब तो इसके अंदर मैं एक से दो चम्मच मैं नारियल के ऐड कर दूँगी आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो इसमें बादाम का तेल भी ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो इसमें कस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसके अंदर जो है ना एक दो मैं आपको दिखा रही हूँ जो फर्स्ट वन है ना इसके अंदर ना मैंने ना नारियल का तेल डाला है और जो दूसरा पैक मैं आपको दिखा रही हूँ उसके अंदर जो है वो मैंने सरसों का तेल डाला है अगर आपके पास ये वाले सारे तेल अवेलेबल है तो सरसों का तेल तो होता ही है ना तो अब वो ऐड कर सकते हैं फिर इसको अपनी अच्छे तरीके से मिक्स करना है आप चाहें तो इसके अंदर जरा सी माइनीस भी ऐड कर सकते हैं लेकिन माइनीस वगैरह मैं ऐड नहीं करती क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये इस तरह ही बहुत तो ज़बरदस्त रहता है मेरे बालों के ऊपर जितना आप इसमें चीज़ें ऐड करते रहेंगे उतनी ही चीज़ें फिर यू you नो know, याद रहना भूल जाती हैं इसलिए सिंपल सिंपल मैं इसको रखती हूँ अच्छा जी यहाँ पर जो है ये वाला पैक जो है इसके अंदर सरसों का तेल डाला हुआ है और अब जो है उसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है ये चांद कर लेना है और इसके बाद फिर बालों की पार्टीशन करके और इसको बालों के अंदर अप्लाई कर देना है अच्छा अंडे की वजह से आपको थोड़ी बहुत इसमें स्मेल आ सकती है थोड़ी सी स्मेल ऑफ लग सकती है आपको लेकिन आप यकीन करिए इतना अच्छा मास्क है कि मैं आपको क्या बताऊँ मतलब इतने कोई खूबसूरत इसे बाल हो जाता है ना ऐसे आपके बालों के अंदर ना जान आ जाती है एक मरतबा और शाइन और जान आ, ऐसे है जैसे बाल आपके थैंक्स बोल रहे हैं आपको तो ये आपने ये जो है वो बालों के ऊपर अप्लाई कर लेना है यहाँ पे ये मैंने भाभी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था आपने इसको अप्लाई करना है फिर आपने इसको जो है वो कवर करके 45 मिनट्स के लिए शॉपर चढ़ा लेना है बालों के ऊपर और 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना है और उसके बाद फिर आपने बालों को वॉश कर लेना है जो भी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अगर आप ये ट्राई करेंगे तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने रिव्यू देना है मुझे कि कैसा लगा है आपको और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आई होप कि आपकी ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरे अपने हाथों का पाँव का अपनी स्किन का अपने बालों का अपनी इनर हेल्थ का अपनी ब्यूटी का इंटरनल ब्यूटी एक्सटर्नल ब्यूटी सारी ब्यूटीज का ख्याल रखें अपना बहुत सारा ख्याल रखें मुझे दुआ में याद रखें मैं मिलती हूँ आपको इन अगली वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेक केयर एंड द लफ